हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रिबल एंड डायलॉग। ऑफ सीजन फाइनली स्टार्ट हो गया है और हमारे फर्स्ट गेस्ट हमारे पॉडकास्ट के सौरभ बडाया भाई हमारे साथ आ जाए हैं। ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज रियली प्रॉमिसिंग यंग कोचेस। अगर आप इनका इंस्टाग्राम पे चैनल भी देखेंगे, सौरभ बडाया 06 करके, ये ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको हम बहुत पहले से फॉलो भी कर रहे हैं और इनका आप कॉन्टेंट देखिए बहुत ही गजब है। ये बेसिक्स से गेम को सिखाते हैं और मैं ये बताना चाहूँगा दैट ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रीट बॉल लीग। ओल्ड स्कूल बॉलर्स की टीम में थे जो वरुण सूद की टीम थी। और सौरभ भाई कैसे लग रहा है? हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं ताकि जो यंग जनरेशन आ रही है वो इसका यूज़ ले सके। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म और आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई लोग, आज के हम थोड़ा इंटरव्यू स्टाइल आज पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज हमको सौरभ भाई के बारे में जानना है, वो कैसे यंग बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, कैसे अपने स्पोर्ट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं इंडिया में बास्केटबॉल को, वो सारी डिस्कशंस हम आज करेंगे। और फिर हम सौरभ भाई से ऑब्वियसली बिकॉज NBA हमारा फोर्ट है तो हम बास्केटबॉल रिलेटेड NBA रिलेटेड तो उनसे डिस्कशन रखेंगे ही। उनके गोट को भी पूछ लेंगे, उनकी फेवरेट टीम को भी पूछ लेंगे, सारा NBA मसाला भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सौरभ भाई, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंसेस के लिए तो प्लीज़। तो गाइज, मेरा नाम सौरभ बड़ाया है और एज अ प्लेयर अगर मैं बात करूं आपसे तो मैंने 2 बार सीनियर इंडिया कैंप अटेंड किया हुआ है और 4 टाइम्स मैंने सीनियर नेशनल खेला है, स्ट्रीट बॉल खेला हुआ है, कंटिन्यूसली खेल रहा हूं, EPBL भी मैंने प्ले किया है, कॉलेज लेवल पे ऑल इंडिया वेस्ट जोन मैंने हर चीज़ खेला हुआ है और अभी के लिए मैंने सबको थोड़ा सा ब्रेक दिया है और कोचिंग स्टार्ट करी है ताकि ये जो यंग जनरेशन आ रही है मैं इनको एक नॉलेज पास ऑन कर सकूं ताकि ये अच्छे लेवल पे कम एज में सही टाइम पे नॉलेज लेकर के आगे बढ़ सकें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सौरभ भाई, अपना कोचिंग के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएंगे, अपना कोचिंग करियर, अभी आप कहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, जयपुर में हैं आप, किस लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं और क्या आपका ऐसा कोचिंग मेथोडोलॉजी रहती है, किस स्टाइल से आप कोचिंग करते हैं? सबसे पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट क्यों करी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ प्लेयर होने के बाद, सब कुछ अपॉर्चुनिटी होने के बाद मैं कोचिंग के अंदर गया हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मैं हूँ, चाहे कोई भी प्लेयर हो, जब उसको वो NBA देखता है तो उसका मन होता है कि यार हम सब वहाँ पे खेलें, चाहे हम NBA वीडियोज़ देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि वो प्रॉपर गाइडेंस कभी मिलती ही नहीं है उसको, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे मैचेस खेलने, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ मिलता ही नहीं है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, सही टाइमिंग पे नहीं मिलता है, सही एज में नहीं मिलता, इसकी वजह से हर कोई सफ़र करता है। तो इसलिए मैंने ये कोचिंग का स्टार्ट किया कि मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये नॉलेज पास ऑन करनी चाहिए। तो मैंने बस 2019 के अंदर अपना एक एकेडमी सेटअप किया, मैंने खुद ने ग्राउंड बनाया बास्केटबॉल का। वाह, मतलब मैंने कहीं हायर नहीं किया, मैंने जो भी जैसे भी था, काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरी मदद करी तो हमने वो ग्राउंड बनाया। और उसके बाद कोविड लग गया 2020 से, तो काफ़ी हालत ख़राब हुई थी, बट जैसे जैसे मैंने खुद पे ट्रस्ट किया और लोगों ने भी मुझ पे ट्रस्ट किया है काफ़ी, और 2 साल 2.5 साल के अंदर मेरे बच्चे जो अकेडमीज़ में आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे नेशनल खेल रहे हैं, कुछ सीनियर नेशनल में भी गए हैं, स्टेट लेवल खेल रहे हैं। सो मुझे अच्छा लगता है कि 2 साल के अंदर कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करके, वो भी सिर्फ 1 घंटा अकेडमी सेशंस में, वो अगर खेल के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए नॉलेज ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। और उसका फ़ायदा उठा करके वो सही टाइमिंग पे, सही जगह पे, सही एज के अंदर अगर वो अपने लेवल पे पहुंच जाए, मैं चाहता हूं बिल्कुल NBA भी खेलें सारे प्लेयर्स, या जिसका सपना इंडिया खेलना है वो इंडिया खेले और किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। अगर उसका गेम अच्छा है तो ऑफकोर्स ये बात है उसको हर कोई टीम में लेना चाहेगा, और ये सच है जो अच्छा है वो बिकता भी है, राइट? तो बस यही रीजन था। बढ़िया बढ़िया। विवेक, सौरभ भाई, आपकी कोचिंग जर्नी के बारे में तो आपने बताया, बट आपके ग्रोइंग डेज के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में और उससे लिंक्ड है पॉपुलैरिटी ऑफ बास्केटबॉल इन इंडिया। तो किसी भी गेम को पॉपुलर बनाने के लिए
हीरोज का होना बहुत जरूरी है। आप क्रिकेट को देख लो, विराट कोहली, सचिन, कपिल देव। तो आप जब ग्रो कर रहे, आपने कहा आपने गेम स्टार्ट किया खेलना 2013 से, उससे पहले से आप देख रहे होंगे, तो मुझे बस ये पूछना था फॉर आर ऑडियंस कि आपने किससे इंस्पिरेशन लिया, आप किसको देख के बड़े हुए, और अब के एनबीए में आप किसको फॉलो कर रहे हो, और आपको कौन सा बड़ा नाम बहुत अच्छा लगता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने पहली चीज से, कि जब मैंने आफ्टर 12th स्टार्ट किया था कि एज अ प्रोफेशनली मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मेरा मन था बहुत खेलने का। उससे पहले अपन सब स्कूल आवर्स में खेलते हैं, सेम वैसे मैं खेला करता था, बट मैंने इसको सोचा परस्यू करते हैं आगे। हालांकि मैं साइंस में से स्टूडेंट हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, बट मैंने फिर भी सोचा कि मुझे खेलना है। तो जब मैं खेलने गया तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे आगे जो कोचेज आए या मेरा फ्रेंड सर्किल जो बना वो काफ़ी अच्छा था। एक वेरी रिनाउंड पर्सन है बास्केटबॉल में, महेंद्र सिंह शेखावत, जो कि मैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ मेरी। तो रेलवे के कोच हैं वो, तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि उनके जैसा तो एटलीस्ट बनना ही बनना है। तो हालांकि वो रेगुलर नहीं आते थे, बट एक सपना था कि ऐसा खेलना है। तो मैंने बस जर्नी स्टार्ट कर दी, पर 3 साल तक खेलने के बाद मुझे पता चला अपन तो कहीं नहीं पहुँचे, वहीं की वहीं है। 2 साल तक मुझे पता चला कि यार अपन तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हो वहीं हार के आ रहे हो। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। और सबसे बड़ा एक जो मुझे मेरे बारे में अच्छी बात लगती, मैंने मेरे पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोला, हार है तो हार है। तो वो बार बार जब पूछते थे क्या हुआ बेटा, तो एक ही बार निकलती थी हार, या कभी कभी तो निकलती नहीं थी, घर आने का ही मन नहीं करता था। बट वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, कि अगर आप कुछ भी काम रेगुलर कर रहे हो, मैं चाहे कितना भी हार रहा हूँ, मैं रेगुलर वही मेरी प्रैक्टिस पे जाता था, और जितने भी लोग मुझे जानते हैं तो वो शायद इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करी। मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठता था, 4 बजे ग्राउंड पे, और ये रेगुलर था, नो मैटर बारिश है, सर्दी है, सर्दी में 5 बजे हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती थी। बट एक समय आया और उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी। उसके बाद से मैंने 2015 के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मुझे याद भी नहीं मैं मैचेस हारता भी था। जहाँ मैं पहले 100 में से एक मैच नहीं जीत रहा था, वहाँ मैं ये भी नहीं पता मुझे कि मैं 100 में से मैच कितने हारा था, शायद मैं सारे ही जीत रहा था। टीम बन जाती है, खेलना आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। और मेरी जो हेल्प करी आगे बढ़ने में, वो बाद में करी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ने, जब मुझे पता चला कि आपको कुछ अपलोड करना चाहिए यहाँ पे आपके बारे में, लोग जानते हैं, वरना आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सीमित रह जाओगे। तो वहाँ से अगर आपको बाहर निकलना है और अपने बारे में बताना है, तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे आना बहुत ज़रूरी है, अपने गेम को लेके, फालतू चीज़ों के लिए नहीं, ना मीम के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, अपने गेम के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरे हिसाब से जो भी प्लेयर्स ये बोलते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा खेलने का, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बनाना नहीं जा रहे अपना प्लेटफॉर्म, तभी नहीं मिल रहा है। सौरभ भाई, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। महेंद्र सर का आपने नाम लिया, उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा, बट कोई ऐसा प्लेयर है अभी जो आपको NBA में या इंडियन सर्किट में जो आपको लगता हो यार ही इज़ द गाय, इसको देख के मेरे को बहुत सीखने मिलता है और मैं इसकी तरह खेलना चाहता हूँ? आप एज ए NBA परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं या फिर इंडियन ऊपर? दोनों आपकी मर्जी है, दोनों परस्पेक्टिव, दोनों आप बताइए, इंडियन सर्किट जो आपको लगे। मतलब आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने क्वेश्चन वापस से रिपीट कीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है मेरा कि आपका कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने फॉलो किया हो, उससे इंस्पिरेशन लिया हो, उसमें आपने महेंद्र सर का नाम ले लिया, अब ऐसा कोई प्लेयर जो अभी करंटली सर्किट में हो, या तो इंडियन सर्किट में, NBA या किसी और कंट्री में भी, जिससे आपको लगता है कि यार इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ और ये गेम बढ़िया खेलता है? तो ये काफ़ी, मैंने जो जितना भी गेम सीखा है, पहली चीज़ मैंने YouTube से सीखा है, आपको सच बताऊँ YouTube ने काफ़ी हेल्प करी। इंस्पिरेशन मुझे कोचेज ने दी, इंडियन कोचेज ने, कि खेलना चाहिए। उनकी एक एक बात अच्छी लगती है कि जब आपके सामने कोई लाइव खेल रहा होता है ना, तो वो अच्छा लगता है, बट उस लेवल को अचीव करना तो आप उसी प्लेयर को देखो जो वहाँ पे खेल रहा है,
विजुलाइज करो कि आप खुद वहाँ पे खेल रहे हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो मेरा जो फेवरेट प्लेयर था और जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है वो है कोबी ब्रायंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस जैसा प्लेयर, उस जैसा डेडिकेशन, हार्डवर्क मैंने नहीं देखा। और मेरा फेवरेट शॉट भी फेड अवे ही था, इवन तक कि सिंपल जंप शॉट को भी मैं फेड अवे ही बनाता हूँ। अगर आप मेरी कोई भी क्लिप देखोगे जा करके तो वो यही लगेगी, पूरा मामबा इफेक्ट है भाई में। हाँ, बट बाय द टाइम क्या होता है, आप चीज़ों को चेंज कर लेते हो, क्योंकि जब आप सीख जाते हो। उसके बाद मुझे इंडियन हार्डन भी बोलने लगे, क्योंकि मैं स्टेप बैक में मैंने काफ़ी मास्टर कर लिया था जेम्स हार्डन की वजह से। और वो मुझे इतना अच्छा लगता था कि आप इतना इजीली कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हो, फालतू लड़ना ही क्यों है। और ये मैंने जब किया, जब मेरी इंजरीज हो गई थी एंकल में, तो मैंने सोचा यार खेलना तो पड़ेगा, तो स्टेप बैक से बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो 10 में से 8 शॉट में स्टेप बैक लेता था। अरे गजब, नाइस। आपने भैया, मेरा एक क्वेश्चन है बीच में, आपने कोबी ब्रायंट की बात करी कि आपका कोबी ब्रायंट वाज योर फेवरेट प्लेयर, या आपको सबसे, अगर मैं आपसे 2-3 चीजें पूछूं कि कोबी ब्रायंट से आपने क्या सीखा अपने करियर में, क्या वो कोबी की क्वालिटीज थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी? देखो, मैंने पर्सनली फॉलो कोबी को किया था, तो जो मुझे लगता है कि कोई एक चीज की प्रैक्टिस कितनी बार कर सकता है, तो वो आपको कोबी से सीखना चाहिए। चाहे, पता है अब हम सबको भी पता है, और जो भी प्लेयर्स साथ में खेलते हैं उन सबको भी पता रहता है कि कौन सा प्लेयर क्या करने वाला है, फिर भी अगर आप में दम है तो रोक लो, वो वाली बात है, राइट। तो उसमें जो मास्टरी करना होता है ना, वो चीज़ें मैटर बहुत कर जाती है सर। इसलिए मुझे कोबी ब्रायंट बहुत पसंद था, कि एक जंप शॉट को कोई हर बार कैसे मार सकता है, या फिर पिवटिंग का यूज करके कोई कैसे इतने अच्छे शॉट मार सकता है। तो एक स्किल्स है ये, बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। फिर मैंने इसको एनालाइज किया कि हमारे फेड अवे तो बिल्कुल नहीं जाते हैं भाई, हम 10 में से 2 मार पा रहे हैं और वो 10 में से 8 या 10 में से 10 मार पा रहे हैं। तो जब मैंने गेम स्टडी किया कोबी ब्रायंट का, मैं एक वीडियो को 100-100 बार देखने लग गया था, आपको सच बता रहा हूँ। फाइनली मुझे वो मंत्र पता चला कि कैसे मारना चाहिए। तो वो बोलते हैं ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ज़रूर होता है, तब वो मुझे पता चला, तो मेरे भी 10 में से 10 जाने लग गए थे। तो वो चीज़ मैटर कर जाती है, हाँ, वो मैटर करती है। एक क्वेश्चन और था, मैंने इससे लिंक भी है वो, बिकॉज आपने नाम लिया कोबी ब्रायंट का और आपने लिया जेम्स हार्डन का। अब मुझे इसमें एक चीज़ समझनी थी आपसे, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ प्लेयर का पर्सपेक्टिव एंड आपका कोच का पर्सपेक्टिव, कि गेम में मिड 2000 या अर्ली 2000 से लेके अब तक काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, प्लेयर्स बहुत स्किल्ड हो गए हैं, ऑफेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप नॉर्मल फैन से भी पूछोगे वो बोलेगा यार ऑफेंसिव प्लेयर इज द किंग, डिफेंस ठीक है, हाँ ज़रूरी है, मैं फ़ैन पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। पावर फॉरवर्ड इज़ अ रेयर कमोडिटी नाउ, 3 बॉल पे गेम ज़्यादा चलता है, मिड रेंज गायब सा होता जा रहा है, तो वो पर्सपेक्टिव समझना था। आपने अपने पूरे जर्नी में क्या एवोल्यूशन देखा गेम में, और कैसे देखा, जो आपके पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, व्हाट आर दे लाइकिंग मोर इन द गेम नाउ? जैसा कि आपने बोला, सबको 3 पॉइंट ही अटेम्प्ट करना होता है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। या फिर दूसरे जो कैटेगरी आ रही है अब, वो आ रही है कैरी अर्विंग, सबको फैंसी लेअप शॉट लेने होते हैं, और ये कहीं ना कहीं सच है। आप मानो चाहे मत मानो, चाहे जो भी मुझे ये सुन रहा है, पर ये सच है, आप लोग इसके अलावा कोई दूसरा नहीं देखते। और तीसरी कैटेगरी जो आ रही है, जो भागती है हर चीज़ों से, जो अनफिट प्लेयर होते हैं, जिनको वास्तव में फिट रहना चाहिए, बास्केटबॉल एक काफ़ी एथलेटिज्म गेम है, तो वो अब देखते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो प्लेयर फिट नहीं है, एथलेटिज्म बहुत है उनमें, बट ये सोशल मीडिया पे चला दिया जाता है कि वो प्लेयर तो स्लो है, फिर भी देखो कितना अच्छा खेल रहा है। जोकिक को आप देख लो, लूका ने कितना अच्छा परफॉर्म किया 2024 के सीज़न में, आप देख सकते हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप जिस प्लेयर को फॉलो कर रहे हो ना, या तो उसको ढंग से फॉलो करो, ना वो स्लो है ना वो फैंसी है, वो एक्चुअल में जिस चीज़ को कर रहा है ना, वो बहुत फंडामेंटली तरीके से कर रहा है, और आप उसको अवॉइड करके
आप फैंसी लेवल पे जा रहे हो, वो बेसिक ही कर रहा है, आपको लग रहा है वो फैंसी कर रहा है, आप कोई सा भी मूव उठा के देख लेना, कोई सा भी, सबको सिंपल बेसिक है। अगर आपने लुका का गेम वॉच किया हो तो वो अपनी बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए हर बार बिटवीन द लेग का यूज करता है, आप कभी भी देख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा बिटवीन द लेग के बाद उसके सारे मूव्स में हेजी रहता है, तो मैटर करता है काफ़ी। कायरी अर्विंग को अपनी बॉल को शो करना आता है कि किसी डिफेंसिव प्लेयर को जंप कैसे करवा दिया जाए उस जगह पे, फिर उसके बाद सारी डायरेक्शन चेंज होती है। पहले माइंड में नहीं सोच के रखते हैं कि भैया मेरे को तो बॉल को रिवर्स ही घुमाना है, या फिर ऐसा प्रिडिक्ट पहले कोई नहीं करता है, सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो जिसके फंडामेंटल क्लियर है ना माइंड में कि मुझे इस समय ऐसा करना होता है या इसका बेसिक ये है, तो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खेलते वक्त, ऑटोमेटिक चीज़ें होने लग जाती हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आशीष तुझे भाई सौरभ भाई से कोई क्वेश्चंस तेरे अपने इनसे? यार पहली चीज तो सौरभ भाई को मैं बोलना चाहूंगा यार, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। मतलब अपन लोगों ने भी बास्केटबॉल खेला है और अपन लोगों ने सारी चीजें फेस करी थी जो आज सौरभ भाई बता रहे हैं कि असली सही गाइडेंस नहीं होती है, या फिर तुमको पता नहीं कि कौन से प्लेस कैसे चलाने हैं। अपन क्या खेलते थे उस टाइम पे पता है, मतलब 4-on-4 खेल रहे हैं या 3-on-3 खेल रहे हैं, लेकिन जो एक कोच के साथ खेलना यंग एज में अगर मिल जाए तो आप जनरेशन सजा सकते हो। तो एक तो उस चीज के लिए यार बहुत ही अमेजिंग का काम कर रहे हो सौरभ भाई आप। दूसरी चीज ये थी यार, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी को यंग एज में खेलना है गेम, तो ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज या कौन से फैक्टर्स रह सकते हैं जो एक यंग प्लेयर को कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब या फिर ग्रो करने में क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं बास्केटबॉल गेम के किसी यंग प्लेयर के लिए? बिल्कुल सर, देखो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, चाहे कोई यंग प्लेयर हो चाहे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हो, प्रैक्टिस का तरीका, ग्रो करने का तरीका सबका सेम ही होता है। यंग वाला थोड़ा हार्ड मैन थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, और एक्सपीरियंस प्लेयर को थोड़ा आइडिया हो जाता है तो वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो मेरी नज़र में कोई भी प्लेयर हो उसको मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा खेलने चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है और आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है कि आप क्या गलती कर रहे हो। सेकंड चीज़, आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है कि मैच में वो क्या खराब कर रहे हैं, उनका गेम किस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी तो वो प्रैक्टिस करते हैं नहीं, और देखा देखी में यार वो ये प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ। तो आपको गेम प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी होती है ताकि आप अपना गेम इम्प्रूव करो, दूसरे से मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप अगर एज अ शूटर हो तो एज अ शूटर में आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत मैटर करता है कि कब आपके शॉट जाते हैं, कब आपके शॉट नहीं जाते, कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि सब क्या कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल सेशन होना हर प्लेयर का बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा NBA प्लेयर्स का सबका इंडिविजुअल सेशन होता है, ये हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस आपको सॉरी अपना गेम इम्प्रूव करना है तो सेशन होने बहुत ज़रूरी है। नाउ थर्ड चीज़, आपको जिस भी लेवल पे जाना है उसको विजुअलाइज करना चालू करो, क्योंकि इसकी पावर बहुत अमेजिंग होती है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना कि मुझे वहाँ जाना है और फील नहीं करोगे तो आप नहीं जा सकते, वहाँ जाना है। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा NBA के मैचेस देखो, आपको हर सिचुएशन का आइडिया लगेगा कि मैं ये गलती करता हूँ और इस प्लेयर ने यहाँ क्या किया है। अब NBA मैचेस ऐसे मत देखो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपको इस तरीके से मैचेस देखने हैं कि जैसे मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो फाइंड आउट करनी है उस गेम में, और किसी और ने, किसी भी NBA प्लेयर ने उसका काउंटर मूव कैसे किया है, वहाँ से आपको अपना गेम इम्प्रूव होगा। NBA मैचेस देखने से, उसकी बातचीत करने से गेम इम्प्रूव नहीं होगा। तो और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है गेम में तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं भी बना रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी वीडियोस में, मैं ये गारंटी देता हूँ कि 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि मैंने वही फेस करी है। तो आप सबको प्रैक्टिस इस तरीके से डिज़ाइन करनी होती है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। और आपकी यार एक बात और अच्छी लगी मुझे सौरभ भाई, कि आप ना प्लेस को भी या फिर किसी भी मेंटालिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक करके हमको समझा पा रहे हो।
मतलब यही सब बातें हम लोग भी करते थे, लेकिन जिस तरीके से आज आपने मुझे हमें बताया कि लुका का जो प्लेइंग स्टाइल है मेनली बॉल को बचाने का है, या फिर कायरी किस तरीके से बॉल दिखा के बेट करके फिर अपना रास्ता निकालता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि यही सब चीज़ें आप नॉलेज जब अपने स्टूडेंट्स को देते होंगे तो आई थिंक यार बहुत अलग पर्सपेक्टिव है गेम देख के इस तरीके से बात करने का। और एक चीज़ आपने विजुअलाइज का पॉइंट लिया था, तो यार ये चीज़ हमने भी फील करी है जब हम लोग क्लास में बैठते थे ना, तो हम हमारी शाम को गेम्स होते थे, हम जब MBA कर रहे थे तो पूरे क्लास के टाइम पे ना सिर्फ ऐसे प्लेज ही बनते रहते थे दिमाग में कि ऐसे इन एंड आउट ले लेंगे या फिर ऐसे सीन कर लेंगे, तो और वो हो जाता था फिर वो कोर्ट पे जाता था, तो वाह यार आज नया मूव हो गया, वेरी गुड हो जाता है यार। तो इससे एक क्वेश्चन मुझे आया यार कि जैसे आप मुझे बता रहे थे कि शूटर्स, मैंने काफ़ी बार एक चीज़ ये चीज़ देखी भी है और मेरे को खुद को क्वेश्चन भी था कि काफ़ी लोगों की शूटिंग एक्शन जो होते हैं तो अपन को थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो चल रही होती है उनके लिए शूटिंग। लेट्स सपोज लॉन्जो बॉल की अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, कि उसका शूटिंग एक्शन थोड़ा डिफरेंट है बट स्टिल उसकी शूटिंग अच्छी हो रही है, 40% अगर वो मार पा रहा है, तो आपका क्या टेक है इस पर कि उसको अपने फॉर्म पर काम करना चाहिए या फिर उसको वॉट एवर गोज फॉर हिम दैट इज़ गुड फॉर हिम, तो उस पर मैं जानना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज ही इसी पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है। लोग बाग ज्यादा फोकस करते हैं कि शूटिंग फॉर्म एक्यूरेट होना चाहिए। मेरी नजर में शूटिंग फॉर्म सबका अलग होता है, आप किसी भी प्लेयर का ले लो, स्टेफ करी का अलग है, कायरी का अलग है, माइकल जॉर्डन का अलग था, कोबी ब्रायंट का अलग है, लॉन्जो बॉल का आपने नाम लिया, शूटिंग फॉर्म सबका अलग है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो उस तरीके से आपको शॉट अटेम्प्ट लेना है, एक बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करो, लेकिन उसके आगे की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप नोटिस करोगे रिलीजिंग पॉइंट सबका सेम होता है। अब यहाँ से सिस्टम चेंज हो रहा है, रिलीजिंग पॉइंट सबका सेम होता है और कुछ लोग इंडेक्स फिंगर से रिलीज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, बट टिल द एंड दो तीन ही रिलीजिंग स्टाइल है, सब हर प्लेयर उसी पे स्टक रहता है। हमारी तरह नहीं है कि कभी फिंगर्स ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे कर रहे हैं, देखा देखी में नहीं। शूटिंग रिलीजिंग पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 6 पॉइंट कवर अप किए आज की वीडियो में और मेरा टॉपिक यही था कि वाई NBA प्लेयर्स स्कोर्स इजीली और हम क्यों नहीं कर पाते। तो मैंने उसमें 6 फैक्टर्स थे, पहला रिलीजिंग पॉइंट था उसमें, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो था बैलेंस, हम बैलेंस में बहुत लैक करते हैं, तीसरी चीज़ वहाँ पे थी साइकोलॉजिकल फैक्टर, चौथा था कॉन्फिडेंस, पांचवा था आपका इसमें प्रैक्टिस सेशन जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था, और 6th जो पॉइंट है, एक इस पर किस्सा भी है बट वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, बट जो 6th पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि हम रिम को बहुत लेट जज करते हैं और NBA प्लेयर्स रिम को बहुत अर्ली जज कर लेते हैं। अब आप जब भी कोई NBA वीडियोस देखो आप नोटिस करना, चाहे वो बजर बीटर शॉट हो चाहे कोई सा भी शॉट हो, वो रिम को बहुत अर्ली जज कर लेते हैं। आप मुझे एक सिंपल सा फंडा बताइए, मेरे को कोई भी टारगेट पे कोई भी चीज़ को थ्रो करना है, मैं उसको जज करे बिना थ्रो कर दूंगा क्या? सर नहीं कर सकता ना। कितना फोकस करते हैं, चाहे शूटिंग वाले हों चाहे आर्चरी वाले हों, कितना फोकस करते हैं और हम लोग सिर्फ आते हैं और फेंक देते हैं उस बॉल को। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के अंदर एक चीज़ सबसे पहले ऐड करी थी, फोकस। प्रैक्टिस के अंदर फोकस ऐड करो, मेडिटेशन करो, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे फोकस लगाना चालू करो, फिर देखो आपके बास्केट उनसे ज़्यादा बेटर जाएंगे, क्योंकि इंडियंस वैसे भी मेहनती बहुत होते हैं। सही बोला भैया, रिसोर्सेस की कमी रही है यार, मुझे लगता है रिसोर्सेज की कमी रही है इन टर्म्स ऑफ कि इंडोर कोर्ट फैसिलिटी नहीं है शायद वहाँ पे आया, अदरवाइज ये जो बात करें फोकस और हार्ड वर्किंग, तो मुझे भी लगता है कि यार इंडियंस हैं इस चीज़ में थोड़े से। एक भैया मैं आपसे एक और क्वेश्चन, चल विवेक मेरी बात तो ले लेना, मैं एक क्वेश्चन ये पूछने जा रहा था कि अपन जैसे अपने यंग बच्चों को आप कोचिंग देते हो, ठीक है, तो मैंने देखा कि ज्यादातर फोकस अपना ऑफेंस 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 होता है, बॉल हैंडलिंग सुधारली, शूटिंग सुधारली, डिफेंसिव मेंटालिटी, डिफेंसिव ड्रिल्स, डिफेंसिव स्टाइल्स के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या अपने बच्चों में
जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें आप वो इंस्टिल करते हो कॉन्फिडेंस, या डिफेंस पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है? ऑफेंस तो ठीक है ही, ऑफेंस तो हर जगह हो ही रहा है, बट डिफेंस, क्योंकि नंग बच्चे भी, मुझे नहीं लगता अगर कोई भी यूट्यूब से भी देखता है तो कोई डिफेंस के बारे में कोई नहीं देखता, हर कोई ऑफेंस के बारे में ही देख रहा है, बॉल हैंडलिंग ही देख रहा है, डिफेंसिव कोई ड्रू हॉलीडे कैसे डिफेंड करता है अच्छा, या कोई आप पुराने जमाने के डेनिस रॉडमैन कैसे अच्छे रिबाउंड ले रहा था, या फिर स्कॉटी पिपन एक अच्छा डिफेंडर कैसा था, या लेनर्ड अच्छा लॉकडाउन डिफेंडर कैसा है, तो इस बारे में अगर आपको थोड़ा, कैसे आप कोच करते हो, क्या इंपॉर्टेंस है डिफेंस की, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ। क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, और मैं इसको मेरी अकेडमी के परस्पेक्टिव से देखूँ, अगर मैं किसी यंग एज को सिखा रहा हूँ जिसको अभी तक आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ का, वो सिर्फ चाह रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है उसका खेलने में, तो मैं उसको वही चीज़ सिखाता हूँ जहाँ से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पहले तो। और डिफेंसिव एक बहुत अलग टॉपिक हो जाता है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि डिफेंस की वैल्यू कितनी है, तो अभी का जो NBA फाइनल हुआ है सर, सामने वाली टीम में, मैव्स टीम में आप देखोगे दोनों NBA के बेस्ट स्किलफुल प्लेयर थे, चाहे लुका को ले लो आप चाहे कैरी को ले लो, वन ऑन वन में बीट करना उनको इम्पॉसिबल है या रोकना इम्पॉसिबल है, पर वहीं सेलेटिक्स ने है ना उनको वन साइडेड हराया है सर। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ डिफेंस है मेरे हिसाब से, मैंने कैरी का कोई ऐसा गेम नहीं देखा पहले जिसमें उसने इतने ब्लॉक खाए हो या लुका के इतने होपलेस फील करवाया हो, पर आप देख रहे हो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है, जो सेल्टिक्स ने किया फर्स्ट गेम वन से ही बता दिया कि हमारा डिफेंसिव जो स्ट्रेटेजी है बहुत अलग है। आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा जाके देखना अब, कि वो हेल्पिंग डिफेंस जो कर रहे थे वो कितना अमेजिंग कर रहे थे, और जब बॉल, जब भी हम हेल्प डिफेंस पे आते हैं तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है ये, और आना भी चाहिए, कि हम जब हेल्प डिफेंस पे आते हैं तो सर हमारी बॉल, जो भी हम जिसको डिफेंस करने आते हैं, बॉल किक आउट हो जाती है बाहर की तरफ और वो इजीली स्कोर कर देता है, इस वजह से हेल्प पे आते ही नहीं है काफ़ी प्लेयर्स। तो अब आप उस गेम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्टिक्स ने कितने अमेजिंग तरीके से क्लोज आउट किया है डिफेंस को, लाइक उन्होंने हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर क्लोज आउट करते टाइम, जब हम डिफेंस पे क्लोज आउट कर रहे हैं, क्लोज आउट का मतलब यहाँ ये होता है कि आप हेल्प पे आए और आपको वापस अपने प्लेयर के पास भागना होता है, तो बेसिकली आप क्लोज आउट कर रहे हो उसकी तरफ, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे उन्होंने हर एक छोटी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अगर कोई डिफेंसिव, कोई ऑफेंसिव प्लेयर कौन सी साइड पर ड्रिबल करता है, ड्राइव कौन सी साइड जाता है, क्या वो अच्छा शूटर है, क्या उसके ज़्यादा चांसेस शूटिंग के रहते हैं, क्या ज़्यादा चांसेस ड्राइविंग के रहते हैं, क्योंकि क्लोज आउट करते वक्त आपकी है ना स्ट्रेटेजी रहती, अगर राइट साइड बहुत ज़्यादा जाता है तो आप क्लोज आउट राइट करोगे, लेफ्ट साइड जाता है तो लेफ्ट करोगे, अगर वो एज अ शूटर है तो आप क्लोज आउट शूटर की तरह करोगे कि आपका राइट हैंड ऊपर जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड ऊपर जाना चाहिए, बहुत मैटर करता है ये, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वही मैटर करती है, वरना शफलिंग तो सबको आती है, सभी अच्छे डिफेंसिव प्लेयर हो जाते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये डिफेंसिव टीम को अच्छा बनाती है, आपको चैंपियनशिप विन करवाती है। अब आपने जो स्कॉटी पिपन का नाम लिया, माइकल जॉर्डन का नाम लिया, ख्वाई को देख लो, ये वास्तव में एक्चुअल में बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर है क्योंकि इन्होंने मास्टरी कर रखी है उन छोटी छोटी चीज़ों पर। कोबी ब्रायंट को देखो आप, कितना असल था कोर्ट पे, हार नहीं मानते। मैं अगर एज अ पर्सनल फॉलो करता हूँ एज अ कोच, या फिर जब मुझे समझ में आया और गेम इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, तो मैंने फॉलो किया चालू करना माइकल जॉर्डन को, जिससे आज भी सब सीख रहे हैं, शायद कोबी ब्रायंट ने भी माइकल जॉर्डन को फॉलो किया, या हर प्लेयर सब उन्हीं को फॉलो करते हैं माइकल जॉर्डन की गेम को। आप केविन गार्नेट को ले लो, कार्मेलो एंथनी को ले लो, कोबी ब्रायंट को ले लो, ये सारे प्लेयर, स्कॉटी पिपन को ले लो, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कोर्ट पे उतर गए ना तो हमेशा आपको डर ही लगेगा इनसे, और एक पॉजिटिव वाइब रहती है, आपको देखने में भी मज़ा उतना ही आता है, ऐसा नहीं है कि बॉल फेंक दी, ऐसा कभी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर गेम इम्प्रूव करने की सोच रहे हो, तो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ये वही थ्योरी है कि जाओ और उनके मैचेस देखो, तब पता चलेगा कि पहले के गेम में कितना ज़्यादा, आजकल तो टच होते ही फाउल हो जाता है, आप पहले देखो। तो सीखना है तो आप वहां पे जाओ, फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगे
और आपका मेंटलिटी भी डेवलप होगा कि भैया पास थ्री पॉइंटर मारने से नहीं जीतोगे, गेम सही खेलने से जीतोगे। सी मेरा एक क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्टली ये था गेरा जो तूने पूछा, बट मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। अब मेरे को स्विच चेंज करना पड़ेगा पर्सपेक्टिव, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा सौरभ सर द कोच से। सौरभ सर द कोच, अगर आप एक टीम बना रहे हो अभी, तो आप उसको किस प्लेयर के अराउंड बनाओगे, आपका ऑफेंसिव स्टार या डिफेंसिव स्टार, और क्यों? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, करंट एनबीए के अगर आप प्लेयर्स देखो, एनबीए इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज हमारी ऑडियंस थोड़ा एनबीए ज्यादा फॉलो करती है, तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा इसमें, कमेंट्स में आपको ज्यादा मिल जाएंगे इनपुट्स। तो एनबीए में अगर आप देखो करंटली, तो आपके हिसाब से कंप्लीट प्लेयर कौन है हु इज अ गुड मिक्स ऑफ बोथ ऑफेंस एंड डिफेंस? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, किसके अराउंड बिल्ड करोगे, ऑफेंसिव स्टार या डिफेंसिव स्टार? सेकंड, बैलेंस्ड प्लेयर कौन है? एक्चुअल में देखा जाए, टीम बनाने तक का आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि अगर मैं टीम बनाता और इन सब पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखूंगा, जो बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव हो या कौन सा होना चाहिए, तो बास्केटबॉल में 5 पोजीशंस होती है जो कि आपको प्ले करनी होती है। और अब मैंने जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए थे आपसे, वो सारे स्मॉल फॉरवर्ड प्लेयर्स ही होते हैं, और स्मॉल फॉरवर्ड प्लेयर का काम ही यही होता है कि वो सारी पोजीशंस पे खेलने, बेसिकली एज अ डिफेंसिव भी लीड करते हैं, टीम में डोमिनेट करते हैं, और एज अ ऑफेंसिव प्लेयर वो हाई पोजीशन हो लो पोजीशन हो, चाहे विंग पे खेलना हो, चाहे पोस्ट पे खेलना हो, चाहे ड्राइव पे जाना हो, वो हर चीज में एकदम परफेक्ट होते हैं। जो मैंने प्लेयर्स के नाम दिए थे, आप उनको नोटिस करना, वो सारे काम करते हैं। तो स्मॉल फॉरवर्ड प्लेयर बहुत मैटर कर जाता है। अगर वो आपके पास अच्छा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जीतने की। सेकेंड चीज, अगर आपके पास उसके साथ साथ एक पॉइंट गार्ड अच्छा है, तो आप फिर किसी भी टीम को कैसे भी जिता सकते हो। और कंप्लीट प्लेयर सौरभ भाई, एनबीए में आपके हिसाब से जो सब कर पाता हो, जिसके अराउंड आप बिल करना चाहोगे, अभी की डेट में, अभी का, आज का कोई भी, मैं आपको, चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है और 4-5 प्लेयर जो आजकल काफी रहते हैं टॉपिक्स में डिस्कशन में, पहला हो गया यानिस, सेकंड हो गया लूका, तीसरा हो गया जोकर, चौथा हो गया एसजीए, और पांचवा हो गया अगर देना है तो एम्बीड। तो इन पांचों के अराउंड अगर टीम बिल्ड करनी हो, इसमें से कौन सा पिक होगा आपका? देखो, एज अ सेंटर प्लेयर बात करें तो एम्बीड बहुत अच्छा खेला है और काफ़ी अच्छे स्टेट्स थे उसके। और जो लीडरशिप क्वालिटी वाली बात करी, वो अगर अपन ने ये वाला एनबीए फाइनल प्लेऑफ्स देखा, तो एक नाम जो सबसे ज़्यादा चल रहा था और एक्चुअल में वो काफ़ी कंपैरिजन में था, एंथनी एडवर्ड्स। अब अगर आप उसको नोटिस करोगे तो शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए इस नाम से। क्या कोर्ट पे एनर्जी थी आप देख सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो वो एक एनर्जी अगर कोर्ट पे आ जाती है ना, तो आपके पास प्लेयर कैसे भी हो, फिर वो सबको साथ ले ही जाता है। दूसरी चीज, जेसन टेटम को देख लो आप, जेसन टेटम ने बहुत अच्छा गेम खेला। जेलन ब्राउन को देख लो आप, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो कोर्ट पे मतलब अपना पूरा 100% से भी कुछ अगर ज्यादा है ना, तो वो देते हैं। तो ये जो प्लेयर्स है ना, अगर ये टीम बनती है ना, तो चाहे आपके बास्केट जाए नहीं जाए, बट जिसकी मेंटेलिटी जीतने की होती है ना, उसको हराना थोड़ा मुश्किल होता है। पर भैया मैच में भी अगर, हाँ एक मिनट कट करूंगा, आपने बहुत सारे नाम लिए, हम कह रहे हैं एक ही चूज करना है आपको, एक, ये नहीं कि आप टेटम भी ले रहे हो, ये सिर्फ एक प्लेयर इन पांचों में से जो आपको अपनी टीम इसके अराउंड बिल्ड करनी है। चलो छठा भी ऐड कर दिया, क्योंकि द गेम स्टाइल जो है, और बाय द टाइम वो चीजें इंप्रूव ही होगी, क्योंकि बट गेम पे जो 100% था मैच से भी अगर वो हारे हैं, तो 1-2, 1-2, 1-2, वो देखो सिचुएशंस होती है, कभी कभी लक भी काम करता है जब आप 1-2 पॉइंट से हार रहे होते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेली थी वो टीम भी,
तो एंथनी एडवर्ड मुझे पर्सनली बेस्ट लगा, आपको सच बताओ। ठीक है आशीष, तेरे पास कोई क्वेश्चन, वरना मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा था भैया से। नहीं बस अगर एंथनी एडवर्ड्स का है तो मुझे लगता है सही सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसका ऑरा या ओवरऑल प्रेजेंस थी ना कोर्ट पे, तो फाइटर स्पिरिट तो थी, भले ही वो हारा है, लेकिन ये तो अपन लोगों ने बात करी है एंथनी एडवर्ड्स की, कि आने वाले टाइम में ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि 22 साल का है यार, उसका उसका ओवरऑल टैलेंट अभी तो इम्प्रूव होगा और फाइटर स्पिरिट है, तो मुझे भी अच्छा लगा भैया ने जो पिक किया। पहले मैंने सोचा इन एंथनी एडवर्ड्स के बारे में, बट जब इन्होंने पिक किया मुझे लगा कि हाँ यार प्लेयर तो है वो, और टू वे प्लेयर है यार, टू वे प्लेयर है वो, चाहे वो डिफेंसिव एंड देखो चाहे ऑफेंसिव एंड देखो, आप दोनों तरफ ही मतलब कोर्ट पे इतनी एनर्जी थी कि आपको देखने में ही मजा आ रहा था। विवेक तो कुछ बोल रहा था भाई। नहीं मैं बस क्लोज कर रहा था इस पॉइंट को कि सौरभ भाई ने फ्यूचर पे पैसा लगा दिया है। सौरभ भाई शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये आदत गई नहीं भाई जी। सौरभ भाई एक मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था, फिर अपन इस पॉडकास्ट के आज के डिस्कशन को क्लोज करेंगे। इंडियन बास्केटबॉल सीन में आपका अभी करंट फेवरेट प्लेयर कौन सा है, जो आप जिसको देखते हो कहते हो कि भाई ये अभी इंडिया का फ्यूचर है, या एक नहीं तीन के नाम ले लो अगर आपको दो तीन लगते हैं तो, बट अभी करंट इंडियन बास्केटबॉल सीन में बेस्ट प्लेयर कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? देखो आपने ये क्वेश्चन वैसे कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ दिया है और ये मेरे लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है, बट हाँ मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट मेरी नज़र में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जैसे आपको सारी सिनेरियोस बताए, पर जो इंडिया टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसी ना किसी रीजन से कर रहा है, बहुत स्ट्रगल करके पहुंचा जाता है, तो मेरी नज़र में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो हर ऊपर बेस्ट प्लेयर है। आपका गोट कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? माइकल जॉर्डन। जो लेब्रॉन है नो डाउट आज जिस एज में वो खेल रहे हैं तो वो एक अलग ही बात है, बट एज अ प्लेयर मेरा, आपने मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछा था तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव एज अ ओवरऑल गेम के अकॉर्डिंग माइकल जॉर्डन है, बाकी अलग अलग फैक्टर्स से देखेंगे आपकी किसमें क्या क्वालिटीज हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको मैं वॉच करता रहता हूँ, जिसमें से लेब्रॉन जेम्स भी है और काफी फॉलो करता हूँ, तो पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो माइकल जॉर्डन। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई है मेरी लाइफ में तो कोबी ब्रायंट। ठीक है, धीरे धीरे टॉप 10 से बाहर हो जाएगा लेब्रॉन। आपने सारे नाम ले लिए, केविन ब्रायंट, आपने कार्मेलो एंथनी भी ले लिया, आपने लेब्रॉन भाई लेब्रॉन का नाम ही लिया भैया, ये ऐसे से पता लग रहा है भैया को लेब्रॉन पसंद नहीं है, बोल नहीं पा रहे, लेकिन नहीं 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 मेरे को बहुत पसंद है, पर अब वो रह गया बात। अच्छा करी या लेब्रॉन? आप अपने स्टूडेंट्स, जो आपके यंग स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये बताते हो कि व्हाई इज लेब्रॉन, मतलब देखो मैंने आपको बताया कि लोग बाबों को जो दिख रहा है उनको इजीएस्ट चीज चाहिए, थ्री पॉइंट फेंकना उनको आसान लगता है तो वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप लेब्रॉन जेम्स की तरफ जाओगे तो आप उसके असिस्ट देखोगे ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मैजिक जॉनसन के बाद इस हाइट पे अगर कोई असिस्ट कर रहा है ऐसे पास तो लेब्रॉन है, मतलब है और लेब्रॉन जो रिस्पेक्ट है। हाँ, और जो उसका फिटनेस लेवल है आज इस एज में भी वो डंक मार रहा है जो यंगेस्ट प्लेयर जो अभी करंट आ रहे हैं एनबीए में वो नहीं मार पा रहे, उसके चेस डाउन ब्लॉक आप देखोगे, मतलब मैंने उसको काफी रीड किया है, काफी बार कोशिश करी है, बट अभी भी स्टिल कंफ्यूज रहता हूँ कि हर बार इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है, आप देखो तो वो मैटर करता है। सौरभ भाई मैंने और यथार्थ ने चैट में एकदम सेम बात लिखी है, अब एक लेब्रॉन की रील बनेगी फ्रॉम अ कोच पर्सपेक्टिव। एक भारतीय कोच क्या लगता है लेब्रॉन जेम्स के बारे में? सही है भैया, सही है। चलो ठीक है, डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। सबसे पहली बात भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
आप आए, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला मुझे भी, बहुत अच्छा लगा हमको, इतना आइडिया आपने दिया एक शूटर्स पर्सपेक्टिव से, एक कोचिंग पर्सपेक्टिव से, उसके लिए बहुत थैंक यू। और वील इंश्योर हमारे जो भी लिसनर्स हैं उनको बोलेंगे भैया, रेगुलर बनाएंगे हम भैया को और बुलाएंगे भैया को, सो दैट और हमको कोचिंग रिलेटेड और थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे कैसे स्पोर्ट ग्रो करना है वो आइडिया मिले, और एक कोचिंग का क्या पर्सपेक्टिव होता है वो आइडिया मिले। तो होपफुली हम आपके साथ एक बार फिर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके कुछ क्लोजिंग वर्ड्स? जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी कोई आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी चीज की कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है एटलीस्ट सबको सुननी चाहिए, ताकि आपको अपना पर्सपेक्टिव पता चलता है क्या गलत है क्या सही है। सो मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है गलत और सही का, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, वो इम्पॉर्टेंट है। सो मैं सभी से ये बोलूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करो, ड्रिबल एंड डायलॉग्स को आपको फॉलो करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो फन देखते हैं वो एज अ फन पर्सपेक्टिव से देखें, या फिर जो एनबीओ को इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, फैन है उसके, वो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और सीखने वाले कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे भी एक चीज ऐड करना, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हां बताओ। कि काफी अच्छा लगा सौरभ भैया आपसे मिलकर। एक चीज काफी जो अच्छी लगी मुझे ये जान के कि आप जैसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से बास्केटबॉल को ऐसे सीरियसली ले रहे हैं, और यार इनका अपन कंटेंट देखेंगे तो काफी सारी चीजें मुझे भी लगा कि यार छोटे छोटे एंगल से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे इनके जो इन एंड आउट ड्रिबल की इन्होंने बताया कि रेंज से कितना फर्क पड़ता है कि अगर आप दूर हो तो पूरा इन एंड आउट कर लो। तो ये छोटी चीजें हैं जो लोग, जैसे मैंने देख ली कायरी की रील यूट्यूब पे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया कि क्या हुआ वो चीज आप जो कर रहे हो यार, वो उसके लिए सच में काफी रेस्पेक्ट है भैया यार, क्योंकि हमको मिलता तो हम भी कुछ ड्रीम्स से हमारे, लेकिन ठीक है हमारे टाइम पे भैया कोई था नहीं, हमारे टाइम कोई था नहीं। अरे भैया मुझे मिलता ना तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता। एग्जैक्टली, तो वो काफी अच्छी चीज लगी मुझे ये चीज देख के, खुशी की बात है। मैं सौरभ भाई की एक बात से अग्री करता हूँ, हमें बहाने नहीं मारने चाहिए, अब फ्यूचर का सोचेंगे। अगर मेरी चाची की रुचि होती तो मैं उन्हें चाचा नहीं बोलता। तो ठीक है भाई, थैंक्स भैया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स आशीष, थैंक्स विवेक, मजा आया भैया डिस्कस करके। और जैसे मैंने पहले कहा, वापस से फिर मिलेंगे आपके साथ और डिस्कशंस करेंगे। एंड प्लीज ऑडियंसेस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप लोग व्यूज आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन हमारे कम हैं, तो प्लीज डू वॉच आवर वीडियोज, डू सब्सक्राइब, और अपने लोगों को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिपल इन डायलॉग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, बाय।